ठीक है, चलिए रविकांत जी पहले दिखा रहे हैं, तुम देख ही लेते हैं। असल में सर ये 6 महीने पहले इसका ये चेन जो है वो टूट गया था, और उससे उसके बाद से मैंने इसे पहना नहीं और तब से बंद भी पड़ी है। कितने दिन पहना इसको आपने? सर ये मेरे पास पिछले 25 साल से है। 25 साल से। ये स्क्वायर में है, थोड़ा सर थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप सा, नॉट कंप्लीटली। है। हाँ मतलब थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, देखिए रविकांत जी, सबसे पहले अगर हम इनकी घड़ी की बात करें, ठीक है, ठीक है, रख दीजिए, देख लिया हमने। ठीक है, अब घड़ी में एक जगह इनके डेट भी बना है, जो मैंने देख लिया, डेट भी बना। तो दो तीन बातें हम बताएंगे यहाँ पर, कुछ मतलब तीन चार बातें बताएंगे, वास्तु से भी कनेक्ट करेंगे, पास्ट ईयर से भी कनेक्ट करेंगे, करेंट सिचुएशन से भी कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो डेट बना है उसकी पोजीशन भी मैंने देख ली थी। सबसे पहले तो हम डेट से रिलेटेड बताते हैं कि ये शो करता है कि ऐसा व्यक्ति ज्ञान को लेकर के, स्पेशली आध्यात्मिकता को लेके बचपन से ही एक्टिव है। बीच में एक्टिव नहीं हुआ कि भैया 30 साल के बाद मुझे कहते किसी ने बताया मैं आध्यात्मिक हो गया सर, इससे पहले मैं बहुत नहीं। रविकांत जी बचपन से ही 10-11 साल के थे तभी से ही इनके अंदर आध्यात्मिकता था, गोइंग टू टेम्पल, फीलिंग लॉर्ड शिवा, ठीक है, और मंदिर में जाना, भजन करना या हनुमान चालीसा पढ़ना। तो आध्यात्मिकता बचपन से, बहुत से लोग के जीवन में आध्यात्मिकता कब आती है, जब बहुत ठोकर खा लेते, तब बोलते हैं अब तो मैं भगवान की तरफ आकर्षित हो चुका हूँ या भगवान की तरफ अपने आप को डिवोट कर रहा हूँ। बट दिस इज नॉट द केस विद रविकांत जी। और रविकांत जी की लाइफ में कोई ना कोई गुरु, आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, ठीक है, या कोई किसी को ईश्वर की, वो इनकी लाइफ को बहुत ही ज्यादा गाइड करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था इनकी वॉच को देख करके। प्लस दूसरा, ठीक है, अगर हम इसके शेप की बात करें, ठीक है, तो शेप इन्होंने बताया पूरी तरह से रेक्टेंगुलर नहीं है। तो अब यहाँ पर इसके शेप के बेसिस पे हम बात करेंगे कि बहुत कुछ करना है लाइफ में, बट पजल्ड सिचुएशन इज देयर, राइट, एंड ही इज द पर्सन हु इज ऑलवेज ऑन द एक्टिव मोड। एक होता है आलस में पड़े हैं, सर 6 महीने से कुछ नहीं कर रहे हैं, पता नहीं काम ही नहीं हो रहा है, काम हो ना हो रविकांत जी एक्टिव रहे, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते बोले 6 महीना से घर पे पड़े, तो वो एक्टिव मोड में नहीं पड़े हैं कि कुछ भगवान कर देगा, नौकरी लग जाएगी, कहीं से कुछ आ जाए, ठीक है, बट ये नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। प्लस इनकी घड़ी में एक ईयर की बात करें, 2016 का टाइम, 2016 का टाइम इनकी फैमिली और रिलेटिव में स्पेशली फीमेल एनर्जी हमें यहाँ पे शो होती है, कुछ ना कुछ इमोशनल इश्यूज। और फीमेल एनर्जी की अगर हम बात करें तो लिक्विड कैश भी आता है, राइट, क्योंकि लिक्विड कैश भी क्या है, मूवमेंट करता रहता है, मूवमेंट में रहता है, वाटर एलिमेंट रहता है, तो वाटर एलिमेंट आपकी फीमेल एनर्जी है और उसमें लिक्विड कैश भी आता है। तो 2016 का पीरियड वॉज पेनफुल, और स्पेशली अप्रैल के बाद अगर हम देख, ठीक है, बट वो परिवार के साथ मिलकर के जैसे वो चीज उन्होंने वहां से क्रॉस करी। द ईयर वॉज 2016। प्लस इसके बाद में अगर इनकी हम घड़ी देखें तो इनकी घड़ी का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन जो है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उच्च दिशाएं, अगर सभी को पता हो, नहीं पता है तो बताते हैं, जो उच्च दिशाएं होती हैं वो नॉर्थ होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है और ईस्ट होती है, ठीक है, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल जोन वाली एनर्जी होती है। उस डायरेक्शन में वास्तु दोष है 101%। क्या वास्तु दोष हो सकता है? क्लटर हो सकता है, ठीक है, प्लस सेप्टिक टैंक हो सकता है, टॉयलेट हो सकता है, किचन हो सकता है, डस्टबिन रखा हुआ हो सकता है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ये उच्च दिशा में दिख रही है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के डायरेक्शन, वास्तु दोष इज देयर। तो हमने अभी तीन बातें बोली है, बोलने को भी हम बता सकते हैं। प्लस दूसरी दूसरी बात हम यहाँ पर ईयर की अगर हम बात करेंगे तो अभी चल रहा है आपका अगस्त, नाउ फरवरी 2024 एक प्रोजेक्ट था जो इनके हाथ से मिस हो गया, 2024, और वो प्रोजेक्ट कोई काम हो सकता है, स्टार्ट करना चाहते पोस्टपोन कर दिया बिकॉज ऑफ मेनी वट एवर बी द रीजन, ठीक है, एंड दैट ईयर एंड द मंथ आई टोल्ड फरवरी 2024 और नियर अबाउट, ये सारी चीजें बताइए। अब हम बात करते हैं रविकांत जी से। रविकांत जी बताइए, जी माँ को कैंसर हुआ था। मैंने, ऐसे आप देखिए सभी लोग सुनिए, अच्छा रविकांत जी ऑनेस्टली बताइएगा, ऑनेस्टली जितने भी लोग बैठे हैं, देखिए मैं बहुत ज्यादा अपना प्रचार नहीं करता हूँ कि मेरे मेरे बैच में हजारों बच्चे आए, ठीक है, मैं उतनी ज्यादा मार्केटिंग नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं रिसर्च पे बिलीव करता हूँ, मैं क्लासेस बहुत कम लेता हूँ, ठीक है, तीन तीन चार चार महीने में एक बैच लूंगा, क्योंकि वो जो बाकी का टाइम होता है ना मेरे मेडिटेशन में जाता है, मैं आप लोगों को बता दूं, रिसर्च में जाता है, ठीक है, राइट, ठीक है, भगवान जितना दे रहा है उतना ठीक है, लेकिन मेरा काम है कि मैं इतना कर लूं कि मैं लोगों का भला कर पाऊं, ठीक है, लोगों को कुछ नई चीज दे पाऊं,
क्योंकि रिसर्च करोगे तो ही दे पाओगे, तो वही मेरा रहता है। तो रविकांत जी ऑनेस्टली बताइए, क्या इससे पहले मेरी कोई बात तो नहीं हुई आपसे, या मैंने डिस्कस तो नहीं किया? आई एम टॉकिंग टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम द होल थिंग, राइट? जी यस, ऑनेस्टली, भगवान का नाम लेकर के कल जन्माष्टमी, राइट? यस, बोलिए। बिल्कुल सर, 2016 के लगभग में ही माँ को कैंसर हुआ था, और और मैंने उसके फीमेल एनर्जी ही बोला था, फीमेल ही बोला था, फीमेल है, यस। और माँ इसके बाद स्वस्थ भी हो गई, और लेकिन अभी जस्ट अभी 3 साल पहले वो कुछ दूसरी बीमारी से जा चुकी हैं, और बिल्कुल। बुढ़ापा भी कह सकते हैं। तो वो लेकिन 2016 के लगभग वो कैंसर से ग्रसित थे, वो पेनफुल, परेशान। लेकिन उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ और फिर 3 साल तक चली माँ, ठीक है। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। ये पहला पॉइंट। दूसरा, दूसरा जो आपने बताया था कि हाँ, अध्यात्म से मैं काफी जुड़ा हुआ हूँ और काफी अच्छा लगता है, खोजने की भी प्रवृत्ति है। और बहुत छोटा था उस समय भी, वो कल्याण और उस तरह की किताबें आती थी, हाँ, वो लोक कल्याण चुप, सेतु, हाँ, कोशिश जी हाँ जी हाँ, तो वो सब मैं देखता था और पढ़ने की कोशिश करता था। तो करता था मैं शुरू से ही, मतलब काफी छोटा था उस समय, शुरू से। बहुत कुछ और ये नहीं बहुत ही, समझ मैं सभी को बता दूं, ये बहुत ही कम लोगों के साथ होता है कि बचपन से अध्यात्म में जाए, क्योंकि अध्यात्म मैंने देखा है, लोग होते सर 40 साल के बाद लगा जीवन कुछ नहीं है, मैं धर्मांतरण मोड़ गया, क्योंकि बहुत ठोकर खाए, राइट? लेकिन कुछ को गॉड ब्लेसिंग्स होती है, बचपन से अध्यात्म की तरफ रहते हैं। हाँ जी, रविकांत। ये तो बचपन की बात रही। और अभी 2024 में फरवरी माह में कुछ नया करने का सोचा जरूर था, लेकिन तो कुछ भी नहीं हो पाया। नहीं हो हाँ, पाया, बहुत हूँ और बिल्कुल व्यस्त रहता हूँ, और बहुत व्यस्त रहता हूँ नया नया खोजने में या कुछ करने में, और सारी चीजों के लिए बस लगा ही रहता हूँ। अब देखिए, इन्होंने एग्जैक्ट मैंने मंथ बताया कि फरवरी 2024 में कुछ करना था और प्रोजेक्ट पीछे हो गए, ठीक है। तो ये मैंने सर आपकी घड़ी से ही बताया है, ठीक है। और ये दैट इज वॉच एनालिसिस, दैट इज माय रिसर्च एडेड टू इट, ठीक है। ये सब ऐसे ही नहीं कहते मैं बता पा रहा हूँ, ये मेरी रिसर्च और जो मैं मेहनत किया वो मैंने ऐड किया, ठीक है। स्पेसिफिक ईयर बताना, स्पेसिफिक टाइम मंथ बताना। थैंक यू। सर